गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी, ओके? जिसमें कि हम लोगों ने क्या एक नंबर मतलब किसका मल्टीपल है, या फिर उस जैसे कोई डिजिट था उसका फिफ्थ मल्टीपल क्या होता है, एट्थ मल्टीपल क्या होता है, ओके? मतलब हमारी 6.1 एक्सरसाइज फैक्टर्स की कंप्लीट की कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल्स की थी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है, किस तरह से किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड किया जाता है, ओके? वो स्टडी किया। सो वो तो हमने अपनी लास्ट क्लास तक स्टडी किया। इस क्लास में क्या स्टडी करेंगे? व्हाट विल स्टडी इन दिस क्लास? विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा? हम हर जगह तो ये कर नहीं सकते कि डिवाइड करने बैठ जाओ, आप कोई भी बड़ी डिजिट है उसको आप डिवाइड करने बैठ जाओ थ्रू अ लॉन्ग डिविजन मेथड। एक लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू आप अगर सॉल्व करोगे तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है हमारे लिए, ओके? सो विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट जो कैलकुलेटर होता है उसके बिना आप किस तरह से जल्दी से किसी नंबर कि ये नंबर है, ये 2 से 3 से 4 से 5 से 9 से इनसे ये डिवाइड हो सकता है। सो किस तरह से आप उन्हें बताओगे, ओके? सो फाइंड आउट करते हैं। कुछ ऐसे बेटा कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ओके? कि जो नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड होगा तो उसके लिए क्या रूल होता है, अगर नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उसके लिए क्या रूल होता है। मतलब ये सारे रूल्स क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स या डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके? उनके थ्रू हम किसी नंबर को ये किससे डिविजिबल है या नहीं है ये पता कर सकते हैं, ओके? सो फर्स्ट रूल हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। कैसे पता चलेगा? कि जब उस नंबर में वंस प्लेस जो डिजिट होती है, ओके? जो नंबर हमें डिवाइड करना है उस नंबर में अगर वंस प्लेस, उस नंबर में क्या वंस प्लेस, जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं 7 7 2 5 8, ओके? ये नंबर लिया हमने, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ओके? डिवाइड करने तो बैठ नहीं सकते इसे काफी लॉन्ग टाइम तक, हमें तो जल्दी से करना है, क्विकली सॉल्व करना है। क्या करेंगे? अगर इस नंबर में वंस प्लेस क्या होती है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ओके? वंस प्लेस 8 है इसमें, तो अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 आता है, मतलब इवन नंबर, मतलब क्या बेटा? इवन नंबर। अगर वंस प्लेस पर इवन नंबर 0 2 4 6 या 8 आता है तो वो नंबर 100% 2 से डिविजिबल होगा, ओके? क्या होगा? वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सॉल्व करके देखते हैं। मैं कह रही हूं ये नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है, कैसे? डिवाइड करके देखते हैं, 7 2 5 8, ओके? डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 7 2 की टेबल में नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता, तो बिलो डिजिट क्या आती है? 6, 2 3 आर 6, माइनस करो 1, नेक्स्ट स्टेप मूव करो 2, नेक्स्ट स्टेप 2, 12 आते हैं, 2 6 आर 12, 12 माइनस 12 0, नेक्स्ट स्टेप 5 नीचे लेके आएंगे, 5 2 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता, सो बिलो डिजिट 2 2 आर 4, माइनस करो 5 माइनस 4 1, नेक्स्ट स्टेप के लिए 8 नीचे लेके आते हैं, ओके? 2 9 आर 18, 2 9 आर 18 0, ओके? सो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा था कि ये डिजिट 2 से डिवाइड हो सकती है, क्या ये डिजिट 2 से डिवाइड हो सकती है? इसके लिए रूल क्या था कि अगर वंस प्लेस पर
इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर आते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर हो रहा है 2 से डिविजिबल। अगर मैं यहां दूसरा कोई नंबर लूं जैसे 7281, ओके डिवाइड बाय 2, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? मैंने क्या रूल क्या है 2 से डिविजिबल का, कि अगर उस नंबर की वंस प्लेस पर इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। यहां वंस प्लेस पर क्या आ रहा है बेटा? 1, और 1 क्या है? ऑड नंबर। 1 क्या है? ऑड नंबर। तो मैं कहती हूं कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। सॉल्व करके देखते हैं, 7281 डिवाइड बाय 2। ओके सॉल्व करो, 2 3s are 6 minus 1 2, नेक्स्ट स्टेप के लिए 2 नीचे आ गया, 2 6s are 12 minus 0, 8 नीचे लेके आते हैं, सॉरी 8 नीचे लेके आते हैं, 8 2 4s are 8 minus 0, नेक्स्ट 1 आते हैं 2 की टेबल में नहीं, तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर बच गया। 1 2 की टेबल में नहीं आता तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर बच गया मतलब बेटा इनकम्प्लीट डिवीजन, इनकम्प्लीट डिवीजन मतलब जो 2 है ये 7281 को डिवाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर यहां 80 होता, अगर यहां 80 होता तो ये नंबर डिवाइड हो सकता था। ओके क्यों? क्योंकि 0 क्या है बेटा? इवन नंबर। मतलब 2 के लिए रूल क्या बना है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके ये थी डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए रूल। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3। एक नंबर 3 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उस जो डिजिट हम डिवाइड करेंगे, जो डिविडेंट होगा, उस डिविडेंट की सारी डिजिट्स, 3 डिजिट्स का सम, सम मतलब उनका एडिशन, उनका एडिशन 3 से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल ले, एग्जांपल जैसे 6 to 1 डिवाइड बाय 3, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? सॉल्व करके देखें, 6 plus 2 plus 1 रूल क्या है? 3 से तभी डिवाइड होगा जब इसकी ये जो सारी डिजिट्स है ना इनका सम, सम मतलब इनका एडिशन, इन सारे डिजिट्स का एडिशन 3 से डिवाइड, एडिशन की जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड हो। मतलब 6 plus 2 plus 1 6 plus 2 8 8 plus 1 9 9 डिवाइड बाय 3 3 3s are 9 3 3s are 9, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। इनका सम क्या आया? 9। 6 plus 2 plus 1 का सम क्या आया? 9। और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। अगर 3 से डिविजिबल हो सकता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो सकता है। करके देखते हैं, 621 डिवाइड बाय 3, 3 2s are 6 minus 0, नेक्स्ट स्टेप 2, 2 तो हो नहीं सकता तो क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे यहां, नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आएंगे 1। ओके देन 3 7s are 21 0, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, आंसर भी आ गया हमारे पास, मतलब ये कंप्लीट डिवीजन हो सकता है। सो 3 के लिए रूल क्या हुआ कि अगर जो भी नंबर, जो डिविडेंट है उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करने पर अगर वो 3 से डिविजिबल हो सकती हैं तो वो कंप्लीट डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगा,
अगर उनका एडिशन 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर इवन जो डिविडेंट है उसके लास्ट में इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। सो ये जो डिविजिबिलिटी के 2 रूल्स हैं जो हमने आज क्लास में स्टडी की, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, ओके, एंड आपको सॉल्व करके देखना है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में आपको 2 से डिवाइड करके देखना है, सेकंड में आपको 3 से डिवाइड करके देखना है इन योर रफ नोटबुक। एक्सरसाइज आपको रफ नोटबुक में सॉल्व करनी है, जो रूल्स हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। ओके, बाय।